नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात जबलपुर की करते हैं। जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जबलपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट में भी झटके महसूस किए गए हैं। सुबह करीब 8:44 पर भूकंप आया है। 4.5 रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। जबलपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो रिक्टर स्केल पर करीब 4.5 तीव्रता जो है भूकंप की बताई जा रही है। जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र था। ये बड़ी जानकारी जबलपुर से सामने आ रही है। डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी जबलपुर से सामने आ रही है। सुबह करीब 8:44 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जबलपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दरअसल सुबह 8:44 के आसपास भूकंप आया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिक्टर पैमाने पर करीब 4.5 तीव्रता जो है भूकंप की आंकी गई है। फिलहाल जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और चलेंगे जबलपुर, बात करेंगे सहयोगी कुमार इंदर से। कुमार इंदर, भूकंप की तीव्रता 4.5 रिएक्टर थी, किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिली जब भूकंप आया? देखिए, ये ठीक 8:44 पे बताया जा रहा है कि जबलपुर में जो यह भूकंप आया है और इसकी रिएक्टर पैमाने पर 4.5 जो है वो तीव्रता बताई जा रही है। जबलपुर के आसपास डिंडोरी, मंडला जो जिले हैं वहाँ पर भी इसके झटके महसूस किए गए। बालाघाट में भी बताया जा रहा है कि इसके झटके महसूस किए गए। जबलपुर के सराउंडिंग जो 30-40 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर भी बात हो रही है। बरगी क्षेत्र में भी हुआ है, मनेरी क्षेत्र में भी हुआ है, वहाँ पर भी झटके आए। बल्कि जबलपुर सिटी के अंदर की बात करें तो गोरखपुर एरिया आता है, वहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। लोगों ने अपने घर के दरवाजे, खिड़की जो है वो बजते हुए सुने हैं। कई लोगों से जब हमने इसकी ताकीद करने की, पुष्टि करने की बात की तो लोगों का कहना है कि हम भूकंप के झटके से ही जो है हम सो रहे थे, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़की इतनी जोर से बजे कि हम लोग उठ के खड़े हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप के झटके की जो कितनी तेज इनको झटका लगा हो, क्योंकि लोग जो कई लोग सो रहे थे वो उठ गए। हालांकि शहर के कुछ इलाकों में लोगों से हमने जब बात की अलग अलग इलाकों में, तो कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर शायद लोगों को भूकंप के झटका का एहसास जो है वो नहीं हो पाया। हालांकि भूकंप के अभी झटके से किसी तरह का कोई नुकसान की बात सामने नहीं आ रही है। मौसम विज्ञानी का कहना है कि करीब 10 किलोमीटर अंदर इसकी गहराई है भूकंप की जो नापी गई है जमीन लेवल से। तो ये कह सकते हैं कि भूकंप के झटके से अभी तक किसी का कहीं पर कोई नुकसान नहीं है। लोग हालांकि जरूर डरे हुए हैं, लोग अलर्ट पर है कि कहीं फिर से कोई झटका ना लाए। हालांकि मौसम विभाग ने ऐसी कभी किसी तरफ की ताकीद नहीं की है, कुछ भी कहना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि वो भी देख रहे हैं, उसके बाद ही जो है उस पर कुछ ऑफिशियल बयान देने की स्थिति में जो है वो आएंगे। तो भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हुआ है। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के घर में बर्तन सुनाई हिलते हुए दिखे। मनेरी क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया है, जबलपुर से फिर 35-40 किलोमीटर का दूर का ये एरिया है। वहां पर लोगों का कहना है कि उन्होंने घर के बर्तन हिलते हुए देखे, लिहाजा गांव के कई सारे लोग जो है वो अपने अपने घरों से जो है बाहर निकल आए। तो ये कह सकते हैं जो ग्रामीण इलाका है जबलपुर के 30-40 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर जरूर लोगों को जो झटके जो है वो ज्यादा महसूस किए गए, लिहाजा लोग जो है कुछ लोग जो है अपने अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हुए। जी तो भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इसका खास असर जो है वो यहां पर नहीं देखने को मिला।